भारत नीतीश के अच्छे दिन साल 2020 के शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अच्छी राहत मिली। पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिला, फिर उसके बाद शेल्टर होम से मिल गया। कैसे देख रहे हैं सर, विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता था और सबको पता था, कुछ लोग लगे हुए थे, लेकिन न्याय का निर्णय आ गया है और ये तो हम लोगों को मालूम ही था, इसलिए ये कोई मामला नहीं है। असल में NDA गठबंधन अटूट है, हम 2020 का चुनाव से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जितनी बड़ी सफलता हम लोगों ने 2019 में हासिल की है उससे बड़ी सफलता हम 2020 में हासिल करेंगे। अधिकांश सीटें NDA जीतेगी और पुनः हम नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार बनाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि CA और NPR का नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है, जिसके वजह से आप लोगों ने उन्हें राहत देने का काम किया, क्या सजा? देखिए, भारत का विपक्ष विशेषकर बिहार का राजद पूरी तरह कंफ्यूज है। एक ओर वो संविधान की बात करता है और दूसरी ओर कहता है कि न्यायपालिका ने इस कारण से निर्णय दे दिया उनके पक्ष में और न्यायपालिका पर भरोसा भी जताता है। पहले उन्हें सोच लेना चाहिए, क्या वो संविधान के साथ हैं? क्या राजद कांग्रेस न्यायपालिका के साथ है कि उसके खिलाफ है? न्यायपालिका के निर्णय को किसी कारण के साथ जोड़ना भारत के संविधान का अपमान है, न्यायपालिका का अवमानना है। आप एक बड़े नेता भी, एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, आपको लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि NDA गठबंधन मजबूत है, साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप ही के नेता हैं संजय पासवान जी, वो कह रहे हैं कि BJP कोटे से मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कितने बात सही मान? देखिए, जब अमित शाह जी ने कह दिया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब कोई इस बात की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। ये तय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने रिपीटेडली कहा है कि NDA के हम लोग साथ हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे, फिर इस पर कोई चर्चा हो ये उचित नहीं है। लेकिन विपक्ष के कहने के बावजूद भी इस तरह की बयान किया? नहीं, कोई व्यक्तिगत बयान देते हैं मुझे उस बारे में मालूम नहीं क्यों, कौन किसने दिया है। पार्टी का यही स्टैंड है जो अमित शाह जी ने कहा है और स्पष्ट है कि NDA 2020 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगा। कह रहा है सर कि JDU जो है वो को एक्शन लेना चाहिए, JDU कह रहा है कि एक्शन लेना चाहिए BJP को ऐसे नेताओं पर, क्या एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए, क्योंकि बार बार इस तरह बयान संजय पासवान ने दिया, मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि अमित शाह जी ने कह दिया कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो वही पक्का है, यही फाइनल है। इसके अतिरिक्त कौन क्या बोल रहा है इसके जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। एक अंतिम सवाल सर, विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह ने तो कह दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि अमित जो संजय पासवान है उनके करीबी हैं और वो प्रधानमंत्री बुलवा रहे हैं उनसे। देखिए, अपनी चिंता करे राजद और कांग्रेस, जिसकी खंड खंड हैं, जिनमें कोई तारतम्य नहीं है, हमारे अंदर की क्यों झांकने की कोशिश कर रहा है? हम लोग अच्छे हैं और भारत की राजनीति में JDU भाजपा का गठबंधन वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। देश में गठबंधन के दौर में सबसे आदर्श गठबंधन है और अपने गठबंधन की चिंता करे राजद कांग्रेस, जहां उसमें सहस्त्र छेद हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं, कहां लड़ते हैं, कहां रैली करते हैं, अलग अलग रैलियों में जाते हैं, उनको कहने का क्या हक है? इसलिए अपनी चिंता करे विपक्ष। लेकिन JDU के MLC गुलाम रसूल बोझवाई कह रहे हैं कि संजय पासवान और RJD में कुछ सेटिंग है, इस तरह बयान आ रहा है। देखिए, कौन क्या कहते हैं मैं इसके बारे में बयान नहीं दे सकता। मैं, हमारा पार्टी का जो निर्णय है वो निर्णय मैंने आपको बता दिया।